दोस्तों, पाकिस्तान की टीम के मतलब एक नई अपडेट ये है कि इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल वीज़े जारी नहीं किए। दोस्तों, तकरीबन बाकी सारी टीमें इंडिया पहुंच चुकी हैं और वो अपना प्रैक्टिस सेशन भी शुरू कर चुकी हैं, लेकिन तहाल अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और उनके ऑफिशियल्स के वीज़े जारी नहीं किए गए। दोस्तों, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमामुल हक से जब सवालों जवाब में पूछा गया कि उन्होंने मोहम्मद आमिर को क्यों नहीं सिलेक्ट किया जबकि वो नसीम शाह की जगह परफेक्ट जगह पर आते थे, लेकिन इसके जवाब में इंजमामुल हक ने कहा कि मोहम्मद आमिर मानता हूं कि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अभी तक रिटायर हैं और उन्होंने अभी तक फर्स्ट क्लास में कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस पेश नहीं की। दोस्तों, अगले सवाल में के जवाब में उन्होंने इमाद वसीम के बारे में बताया कि इमाद वसीम ने अभी तक रिसेंट में कोई भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला जिसकी बिना पर उन्हें टीम में सिलेक्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मोहम्मद आमिर हो, इमाद वसीम हो या चाहे कोई भी क्रिकेटर हो, उनके लिए हर वक्त किसी भी के दरवाजे खुले हैं, वो आएँ और फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करें और नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाएँ।